मैम। तो अगर मैंने लिखा 1 मीटर और मैंने फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, तो 1 का भी क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, हंड्रेड यूनिट चेंज हो रही है तो नंबर चेंज हो रहा है। अब मेरे को ये बताओ, अगर मेरे पास है यहाँ पे 1 kg, तो N2 क्या हो जाएगा? 1000 1000 ग्राम। ठीक है, और मैं यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी मेजर कर रही हूँ? ग्राम मास। मास करेक्ट, मैं किसी का मास बता रही हूँ। ठीक है, अब ये तो मेरी 7 मेन क्वांटिटीज हो गई। इसके अलावा मेरे पास 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, किसी को पता है कौन सी होती है? कौन यस मैम रेडियन सी? कौन एंगल एक सॉलिड एंगल होता है करेक्ट। सॉलिड एंगल अगर मैं 2D शेप की बात कर रही हूँ, ठीक है, जैसे कि जिसमें एक्स है और वाई है, दो ही चीजें, और अब मैंने बोला है कितना कितना एंगल है ये बताओ। नाइनटीन सब बोलते हैं 90 डिग्री, पर ये जो डिग्री लगाया है ये क्या है? उसका यूनिट नहीं नाइनटीन होती है, ऐसा यूनिट होती है रेडियंस। ठीक है, तो जब एंगल की यस बात मैम करें उसकी ऐसा यूनिट होती है रेडियंस। वही हम 3D में गुड मेजर इवनिंग कर रहे सर हैं, तो मैम हम लोग एंगल नहीं बोलते, गुड इवनिंग मैम सॉलिड एंगल। ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? रेडियन, स्टेडियम रेडियन, स्टेडियम रेडियन। करेक्ट। ठीक है, तो ये 2 क्या है, हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, और जो पहले बताई थी वो फंडामेंटल यूनिट्स है। क्लियर है सब कुछ? यस मैम यस अब मैम यस इनका फायदा क्या है? इनका यस सीना, सीना कुछ बोल रहे हो? हैंड रेज कर रखा आपने? ओके, तो अब अगर मैं बात करूं इनका फायदा क्या है, जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ वेलोसिटी की, ठीक है, वेलोसिटी क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस डिस्टेंस ऑन अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी कौन सी 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है, एक तो लेंथ है और एक टाइम। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, टाइम वेलोसिटी का डायमेंशन लिखूंगी। डायमेंशन का मतलब क्या है? कोई भी चीज है पूरे वर्ल्ड में, उसको मैं उन 7 जो क्वांटिटीज बताई थी उनके उनके तरीके से लिखूंगी कि ठीक है, देखो 1 चम्मच डालना है, 2 चम्मच डालना है, या 1 बार लेंथ लेनी है, 2 बार लेनी है, कितनी बार लेनी है। ठीक है, वो करूंगी। उसको लिखते कैसे? MLT। एम से हमारा यहाँ पे मास है, एल से मेरी लेंथ है, लेंथ और टाइम टी से यहाँ पे टाइम टाइम। टाइम मोस्टली जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो कौन सी होती है? मास, लेंथ और टाइम। बाकी सब क्वांटिटीज जो हैं, जैसे करंट है, टेम्परेचर है, वो कम यूज होती है। यूज तो वो भी होते हैं, पर वो इनसे कम यूज होती है। तो मोस्टली जब हम डायमेंशन लिखेंगे तो इन्हीं 3ों की जरूरत पड़ेगी, बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लिखते कैसे? ये जो बाहर मैंने बनाया है ये है स्क्वेयर ब्रैकेट। ये इंपॉर्टेंट होता है बनाना जब आप डायमेंशन लिख रहे हो, और उसके अंदर लिखा है मैंने मास, लेंथ, टाइम। और इनकी ना कुछ पावर होती है, ये पावर ही हमें क्या बताती है? एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। ठीक है, ये बताती है। जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि मेरे को क्या मेजर करना है, किसी चीज की लेंथ मेजर करनी है, लेंथ मतलब डिस्टेंस या फिर मेरी, यस मैम नो तो अब मेरे को ये बताओ क्या लेंथ मास पे डिपेंड करती है? नो मैम नो मैम उससे पहले ये बताओ 2 की पावर 0, सॉरी, 2 की पावर 0 क्या होता है? मैम वन और मैम वन ओनली अपॉन एल का मतलब क्या है? एल की पावर -1 -1 -1। तो जैसे ही किसी भी चीज की पावर 0 आ रही है तो वो 1 हो जाएगा, और किसी भी चीज को मैं डिनोमिनेटर में लिख रही हूँ तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर मैं ये बोल रही हूँ लेंथ मास पे यस डिपेंड नहीं कर रहा, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि मास की पावर 0 लिख सकती हूँ, यस और लेंथ लेंथ मैम में लेंथ कितनी बार आ रही है? वन मैम वन एक बार बात काउंट कर कमांड दी 1। अब टाइम कितनी बार आ रहा है? जीरो 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 पावर जीरो 0, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया मैंने। ठीक है, यस मैम अब अगर मैं बात कर रही हूँ एरिया की,
एरिया जैसे मान लेते हैं स्क्वायर का बोलते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेयर, और रेक्टेंगल का भी लिख दिया मैंने, फिर मैंने यहाँ पे सर्कल के लिए भी लिख दिया। तो तीनों ही केस में अगर आप देखो तो लेंथ कितनी बार आ रही है, लंबाई कितनी बार आ रही है, क्या बोल रहे हो? सबका क्लियर है टू टाइम्स या कोई वन भी बोल रहा है? मतलब जो ब्रेथ है वो भी लंबाई में ही आ रही है, उसको ये मत मानना कि तो ब्रेथ है तो लेंथ में नहीं आएगा, लंबाई की बात करें ठीक है। तो सब में क्या आ रहा है, दो बार आ रहा है। अब अगर मैं निकालूं कि एरिया किस किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या मास पर डिपेंड कर रहा है? नो नो पावर जीरो। अब लेंथ पे कितनी बार डिपेंड कर रहा है? टू बार। और टाइम पे कितनी बार कर रहा है? जीरो। ठीक है, वॉल्यूम की बात करूं तो यहाँ पे एल थ्री आ जाएगा और मास और टेम्परेचर टाइम फिर से जीरो हो गया। अब इनको ना कभी भी ऐसे मत लिख देना कि साथ में लिख दिया जीरो एल टू टी जीरो, ऐसे मत करना ठीक है, वो ऊपर ही लगती है, वो पावर लगी है ऊपर। ओके यस मैम। यस मैम। अब अगर थोड़ी मुश्किल चीज लेते हैं, जैसे वेलोसिटी का मैंने बोला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस तो लंबाई में आएगा, लेंथ में आएगा yes, है ना, टाइम टाइम ही रहेगा टाइम ठीक है। तो इसमें अगर मैं भूलूं कि तो मास कितनी बार आ रहा है? जीरो। जीरो। लेंथ की पावर तो एक ही बार रहा है पर वो डिनोमिनेटर में है इसलिए माइनस वन ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक टाइम ये पहले से लगा हुआ था है ना। यस मैम। ये हो गया एल और नीचे आ गया दो बार टाइम टी टू। हाँ तो अब अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगी तो क्या हो जाएगा? थ्री माइनस टू। क्लियर है सबको कैसे आएंगे? यस मैम। यस मैम। तो अब अगर ये पूछूं फोर्स, क्या फॉर्मूला होता है फोर्स का? क्या फॉर्मूला बनेगा इसका बताओ? मास के लिए बना रहा है सबको समझ आया है कैसे बना है? यस मैम। यस मैम। हाँ जी बोलो मैम। टाइम कैसे दो बार आया? टाइम कैसे दो बार आया अभी बताती हूँ, एक सेकेंड। देखो एक्सेलरेशन अभी मैंने बताया ऊपर, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम। तो टाइम कितनी बार आ रहा है मैम? टू टाइम्स। टू टाइम्स बार आ रहा है, और फोर्स में वही एक्सेलरेशन लगा दिया मैंने। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। अब देखो ऐसे ही अगर मैं अब दो चीजें लिख रही हूँ यहाँ पे, एक होती है मूवमेंट और एक होता है ग्रेडियंट, और एक होता है रेट। जब मैं मूवमेंट की बात कर रही हूँ, मतलब कोई भी चीज है उसके साथ मैंने मूवमेंट लगा दिया, जैसे मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो इसका मतलब है डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा याद रखना किसी भी चीज के साथ मूवमेंट लग गया तो मतलब उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मूवमेंट ऑफ टाइम मतलब टाइम इनटू डिस्टेंस। समझ आ गए पॉइंट? Yes, अगर वर्ल्ड में कोई भी क्वांटिटी है कंफ्यूज नहीं होना कि तो हमने पढ़ा ही नहीं है, मूवमेंट का मतलब डिस्टेंस एक बार मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही अगर ग्रेडियंट दे रखा है मतलब कोई भी चीज है उसको क्या करो डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। ठीक है, कोई भी चीज है उसको डिस्टेंस से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। क्लियर है? Yes, मैं बोलूं yes, अगर मैं बोलूं ग्रेडियंट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स को क्या करना है डिस्टेंस से डिवाइड कर डिवाइड। और रेट का मतलब क्या होता है किसी को पता है? चेंज है ना। अब अलग अलग चीजें के लिए हो सकता है कि रेट ऑफ टाइम या रेट ऑफ डिस्टेंस, तो जो भी चीज है उससे डिवाइड करना है ना। अगर मैं बोल रही हूँ रेट ऑफ टाइम है ना,
तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, और अगर पोजीशन है तो पोजीशन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मोस्टली जो रेट होता है उसका मतलब टाइम ही होता है ज्यादा से ज्यादा केसेस में। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारे क्वांटिटीज है फिजिक्स में। अभी तो आपने 10th तक थोड़ी सी ही पढ़ी है, 11th 12th में बहुत सारी आती है, तो सारे तो ये कि मैं डिस्कस नहीं कर सकती संडे को एग्जाम है, पर मैं आपको एक शीट भेजूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसमें सारी क्वांटिटीज मेंशन है। आपको लगेगा ये कभी पढ़ा नहीं है, पर वो क्योंकि 11th 12th में यूज होती है तो वो पेपर में आ सकती है। ठीक है, ये तो लिमिट उनको देखिए ना क्यों जितनी ज्यादा। बोलो प्रीति। मैम? जो रेट ऑफ उस रेट में आएगा उसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे, कोई भी टर्म आएगी हमारे पास? देखो ज्यादातर रेट में हम लोग टाइम लिखते हैं, पर अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट डिस्टेंस, ठीक है, तो मैं उसमें किससे करूंगी, डिस्टेंस से करूंगी। ठीक है, लेंथ पर से ही अगर है। मैं, यस मैम। बोला रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, खाली ये बोला उसके साथ कुछ नहीं बोला है, तो मतलब टाइम से करना है, वॉल्यूम टाइम वॉल्यूम को टाइम टाइम से डिवाइड करना है। ठीक है, यस मैम। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज है, उनमें से ज्यादा कोशिश करना याद करने की। ठीक है, ओके, तो अब अगर मैं बात करूं डायमेंशंस की, तो हमारे पास जो डायमेंशंस मैंने बनाई उनका यूज क्या है, तीन यूज होते हैं। पहला कि हम चेक कर सकते हैं कोई फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, दूसरा हम फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, तीसरा ये है कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक चीज को दूसरी चीज में। ठीक है, अब जैसे एक एक करके मैं सारे समझाऊंगी तो आपको समझ आएगा क्या बोल रही हूँ मैं। अब आपके पास तीन चीजें लिखती हूँ, हैंड रेज करना प्लीज, इसे मत बोलना। अब मेरे को फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में क्या, कौन बताएगा कि ये सही है गलत है, जो फर्स्ट वाली लाइन में लिखा है 4 मीटर इक्वल्स टू 1 मीटर प्लस 3 kg, हैंड रेज करो, कोई बताएगा? हाँ जी प्रियांशु, प्रियांशु जम्बाल। मैम रोंग है ये? हाँ रॉन्ग क्यों है? मैम दीक्षा मारी, मास की किलोग्राम में तो मास की किलोग्राम में तो क्या हुआ, 1 प्लस 3 तो 4 ही होता है। 4 मीटर बोल रहे तो फिर उसमें मीटर की यूनिट लगेगी। मीटर की यूनिट लगेगी, बिल्कुल सही बोला। अगर मेरे को मीटर, अच्छा चलो पहले एक्सप्लेनेशन देखती हूँ मैं, और किसी की और बेटर है। हम स्नेहा, मैम इनकी ना यूनिट डिफरेंट है, और क्या जो मतलब जो क्वेश्चन होता है ना उसमें यूनिट सेम होनी चाहिए, चाहे क्वेश्चन की है चाहे आंसर की है, फॉर्मूला की भी ना जो बिल्कुल साथ करेक्ट रहता स्नेहा, है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, वेरी गुड। क्या बोले स्नेहा ने, अगर मेरे को दो चीजें ऐड करनी है और उसके बाद कुछ आंसर आ रहा है, तो मैं जो जो चीजें ऐड कर रही हूँ उनका भी क्या होना चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। अब आप जो मैंने लिखा उसका मतलब क्या, मैंने लंबाई और मोटाई को जोड़ दिया, ऐसा कुछ हो सकता है? लंबाई में तो लंबाई जुड़ेगी, ठीक नहीं है, मीटर में मीटर जुड़ेगा, सेंटीमीटर जुड़ सकता था फिर भी कि यूनिट चेंज कर दो आप फिर कर दो, पर मीटर में किलोग्राम जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो क्यों गलत है, क्योंकि इस बोलो मैम क्योंकि किस मास मैम, प्लस मास मास नहीं होता है, किलोग्राम के उसमें किलोग्राम किलोग्राम का आंसर मास ही नहीं आता अगर मैं मास को मास में जोड़ रही हूँ तो मास ही बनेगा वो लंबाई मैम। नहीं बन सकती। ठीक है, यस मैम। तो इसीलिए ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो कैसे चेक करते हैं, ये हमें बताया डायमेंशन फॉर्मूला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने। वो क्या बोलता है कि अगर मैं दो चीजों को ऐड कर रही हूं या सब्ट्रैक्ट कर रही हूं तो उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए या डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, फिर जो आंसर आएगा उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वो भी सेम होना चाहिए। इतने सब लोगों ने हैंड रेस क्यों कर रखा है, डाउट है किसी को? विमल बोलो।
ठीक है, तो अगर मेरे पास क्या है, ये क्या कहता है, अगर मेरे पास क्वांटिटीज हैं उनको मैं ऐड कर रही हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो मतलब उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। प्लस जो आंसर आएगा वो भी क्या होना चाहिए, सेम डायमेंशन का होना चाहिए, मतलब जोड़ू भी सेम चीजों को और आंसर भी सेम चीजों का मिले। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वेलोसिटी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये वी क्या है, मेरी वेलोसिटी है, मेरे को बताओ ए क्या होगा और बी क्या होगा। मैम ए, बोलो विशाल। मैम ए इज एक्सेलरेशन। क्या डिस्प्लेसमेंट? कौन बोल रहा है डिस्टेंस? मैम एक्सेलरेशन टाइम एक्सेलरेशन। मैंने ये बोला ए और बी अल्फाबेट से एक्सेलरेशन नहीं है, पहली चीज। आप सोच के बताओ कि मैं दो चीजों को ऐड कर रही हूँ और आंसर वेलोसिटी आ रहा है, दो दो चीजें वेलोसिटी की डायमेंशन होंगी। करेक्ट, वो भी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी आंसर वेलोसिटी आ रहा है। मतलब ए भी क्या होना चाहिए, कोई वेलोसिटी होनी चाहिए, और बी भी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए। कोई भी हो सकते, इनिशियल हो, फाइनल हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, वो नहीं बात कर रहे, पर होना क्या चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए। मतलब ए की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, एल टी माइनस वन, और बी की भी क्या होनी चाहिए, एल टी माइनस वन। ठीक है, आप अगर मैं ये कर दूं वी इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है, ऐसे कर दियो, और मैं बोल रही हूँ एक्स क्या है, पोजीशन है, एक्स मेरे पास यहाँ पे पोजीशन। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो वेलोसिटी आंसर में है वही इसकी होनी चाहिए और वही इस पूरे की होनी चाहिए, ऐसा मत करना कि बी की अलग एक्स की अलग, ठीक है, वही ए की होनी चाहिए और वही बी एक्स की होनी चाहिए। किसी को कोई डाउट तो नहीं है जो मैं बोल रही हूँ? इजीली आ जाएगी एल टी माइनस वन। अब बी की कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, उसकी डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए, तो एल टी माइनस वन इक्वल टू बी एक्स कर देते, है ना। अब x की डायमेंशन क्या होगी, x पोजीशन है या डिस्टेंस है, तो क्या होगी उसकी डायमेंशन, l l हो जाएगी। अब इस l को मैं इस साइड ले जाती हूँ, ठीक है, तो b क्या आ गया, एल टी माइनस वन अपॉन l, l से l कट गया, क्या बचा, t माइनस वन, b की डायमेंशन क्या आ गई, t माइनस वन। समझ आ गया सबको, कैसे आया? यस मैम। अच्छा, इसके साथ मनीषा बोलो। सॉरी मैम। ओके, इसके साथ एक और चीज ध्यान रखना। यस मैम। प्लस का था, पर अगर मैं हल्का सा पॉइंट लिखूं यहाँ पे कि अगर मेरे पास दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, a बाय b इक्वल्स टू c, तो अगर मैंने इक्वल लिख दिया तो जो c की डायमेंशन है वो a बाय बी इस पूरे फ्रैक्शन की होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि a की भी वो होनी चाहिए, b की भी वो, जो पूरा आंसर बनेगा दोनों को डिवाइड करके वो c के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे c इक्वल्स टू ए बी, तो c की डायमेंशन उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के आंसर के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं लिख रही हूँ v इक्वल्स टू एक्स बाय टी, तो ये क्या इस करेक्ट है, नो मैम, नो। क्यों, अगर मैं वेलोसिटी लिख रही हूँ तो माइनस, यस यस मैम, यस मैम, तो करेक्ट हो गया ना, यस मैम, ठीक है। तो ऐसे ही मैं बोल रही हूँ कि फ्रैक्शन की होनी चाहिए इक्वल, जो भी चीज हम ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके। अब थोड़ा मुश्किल देखते हैं, f इक्वल्स टू a रूट x प्लस b t स्क्वायर। हाँ जी, अब मेरे को बताना है कि ये f तो मेरे को पता है फोर्स है, x मोस्टली यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, t मेरे पास टाइम है, और a और b मेरे को बताना है। तो अब कैसे बताएंगे, पहले मेरे को बताओ कि अगर लेफ्ट साइड फोर्स है तो राइट साइड में वो कौन सी दो चीजें हैं जो जिनकी डायमेंशन फोर्स के जैसी होगी। मैम रिपीट कर, आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रही हूँ अगर लेफ्ट साइड में मेरे पास फोर्स है
तो राइट साइड में वो कौन सी दो चीजें होंगी जिनकी डायमेंशन फोर्स के इक्वल है? नेहा आप बता रहे थे मैम ए और एक्स की और बी टी स्क्वायर की। करेक्ट, जो यहाँ पे ए रूट एक्स है क्योंकि फोर्स किस चीज से बना है, इन दोनों को एड करके बना है ना, तो इन दोनों की डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए? फोर्स की। वेरी गुड, तो अब हम क्या करेंगे? फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? m1 m2 t-2। उसको क्या करेंगे, एक बार इसके इक्वल कर देंगे फिर एक बार इसके इक्वल कर देंगे, तो वही करते हैं। a रूट x, रूट x का मतलब क्या है? l की पावर -1 एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो केतकी। रूट एक्स का, रूट का मतलब क्या होता है, कितनी पावर होती है? एक्स का मतलब तो लेंथ था, तो लेंथ की पावर 1/2। ठीक है, अब मेरे को ए निकालना है तो मैं क्या करूंगी, एल को क्या ले जाऊंगी, लेफ्ट साइड ले जाऊंगी, है ना, तो वही करते हैं एम एल टी माइनस टू अपॉन एल की पावर 1/2। क्या आएगा बताओ मेरे को, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम एल हाफ टी माइनस टू। बिल्कुल करेक्ट, एम एल हाफ टी माइनस टू। जिनको नहीं समझ आया कैसे आया, देखो m के नीचे कोई भी m की चीज नहीं है तो m as it is रह गया, किसी से नहीं कटेगा। t माइनस टू के नीचे भी कुछ नहीं है तो t माइनस टू भी as it is आ गया, पर l के नीचे l by 2 है। जब डिवाइड में टर्म्स होती हैं तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है कि 1 - 1/2। ठीक है, इसलिए l की पावर 1/2 है। समझ आ गया सबको? यस मैम। यस अब हम क्या करते हैं, बी की निकालते हैं, तो फिर से एम एम की पावर हाफ नहीं होगी, माइनस 1/2। एम की पावर मैम एल की पावर, एल की पावर जो हाफ है, हाफ था तो 1 - 1/2 कितना होता है मैम? 1/2। ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा। यस, अगर मेरे को बी की निकालनी है तो देखो एम एल टी माइनस टू किसके इक्वल कर, तो बी इंटू टाइम का स्क्वायर। अब b की क्या वैल्यू आएगी? ml t - 4। क्यों आएगी मैम? क्योंकि t को -2 और -2 प्लस हो गए। हाँ, -2 था ऊपर और नीचे, आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, -2 - -2 कितना हो गया है, -2 - -2 - 4। कीत की कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है, पूरा क्वेश्चन? यस मैम। ओके देखो हमने क्या स्टार्ट किया, मैंने कहा f इक्वल्स टू a रूट x प्लस b t स्क्वायर। तो अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने देखा कि अगर लेफ्ट साइड में फोर्स है तो राइट साइड में जो चीजें ऐड हो रही हैं वो भी फोर्स के इक्वल होनी चाहिए, जो एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो एक एक करके मैंने इन दोनों को ले लिया, पहले a रूट x को लिया, तो उसके लिए फोर्स की डायमेंशन तो ये लिखती मैंने एम एल टी माइनस टू, और राइट साइड में मेरे पास a रूट x था, ए का मेरे को निकालना है, मैंने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। अब एक्स क्या है, लेंथ है यहाँ पे, तो लेंथ की पावर 1/2 लिखती हूँ। अब क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी थी तो मैं इस वाली टर्म को नीचे ले गई यहाँ पे। अब जब दो नंबर्स डिवाइड होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, जो मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है कि 1 - 1/2, इसलिए ए की वैल्यू ये आती। अब मेरे को बी का निकालना था तो मैंने बी वाले जो नंबर था बी टी स्क्वायर उसको भी क्या करा, फोर्स के इक्वल कर दिया। तो अब क्या करेंगे, इस टाइम को जब मैं नीचे लेके जाऊंगी तो टी की पावर -2 / t - 2, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -2 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो -4 हो गया। अब समझ आ गया सबको? यस मैम। ओके यस मैम। केतकी क्या आपका डाउट क्लियर हो गया है? यस मैम। ओके ठीक है, तो अब अगर मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि P मेरे पास प्रेशर है, V मेरे पास वॉल्यूम है, R मेरे पास क्या है, रियल गैस कांस्टेंट है, और T मेरे पास टेम्परेचर है, और आपको A और B की वैल्यू बतानी है।
अब आप ही सोचोगे ठीक है प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर भी पता है, ये आर क्या है आपने सुना नहीं कभी, और इसको यूज क्या करना है, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें क्या निकालना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी। तो कोई सोच के बताएगा कि कैसे निकालते हैं ए और बी की वैल्यू, यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं। इतना ध्यान रखना क्वेश्चन ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उनकी यूनिट सेम आएगी। रुशिल आप थोड़ा होल्ड करो और किसी को मेरे को पता है आप आंसर दे दोगे। हाँ जी नीता देवी बोलो। मैम ए अपॉन वी स्क्वायर प्रेशर होगा हमारे पास। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। और अब सेकंड टर्म कौन बताएगा, बी किसके इक्वल होगा? मैम वी, वी के इक्वल होगा। ठीक है, कैसे क्योंकि वॉल्यूम किससे सब्ट्रैक्ट हो रही है, पी से, तो वॉल्यूम में से क्या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वॉल्यूम में सब्ट्रैक्ट क्या करती है, बी की डायमेंशन वॉल्यूम की इक्वल आएगी। इसका मतलब बी क्या आ गया, एल क्यूब आ गया। ठीक है, जो जीरो होता है उसको हर बार लिखना जरूरी नहीं है, तो आप उसे हटा भी सकते हो। ऐसे अगर मेरे को ए निकालना है तो मतलब प्रेशर की जो डायमेंशन है वो ए बाय वी स्क्वायर की इक्वल आएगी। ठीक है, अब प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है कौन बताएगा? मैम एल माइनस वन टी माइनस टू। करेक्ट, फोर्स अपॉन टीम होता है तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। और वॉल्यूम की अभी मैंने बताई एल क्यूब होती है। मेरे को ये बताओ डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखी है एल क्यूब की पावर टू वो क्या बन जाएगा? मैम एल की पावर सिक्स। एल की पावर सिक्स हो जाएगा, उसका नाइन मत करना, ऐसी पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अब क्या करती हूँ इस एल की पावर सिक्स को जो मेरे पास यहाँ पे आया है इस साइड से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ए आ जाएगा एम वन इंटू एल की पावर सिक्स। अब एल की पावर कितनी बचेगी? तो हमारे पास आंसर आ गया ये। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो यही था मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन। आप कह सकते हो कि ए और बी अगर कांस्टेंट है तो उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। सिमिलरली जो दूसरा एप्लीकेशन है वो ये, क्या ये इक्वेशन करेक्ट है? नो मैम। नो मैम। सब नो कह रहे हैं। मैम करेक्ट है। यस मैम। तो वो कह रहे हो, कैसे कह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, तो आप सबने पढ़ा होगा v equals to u plus at। यस मैम। v मैम वेलोसिटी है। तो चेक कैसे करते हैं, ये है lt minus 1, u भी क्या होती है वेलोसिटी, lt minus 1, ये क्या है एक्सेलरेशन into टाइम, मतलब lt minus 2 into टाइम, है ना। इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई तो ये आ गया। अगर आप देखो lt minus 1 को किस में ऐड किया है, lt minus 1 में, और आंसर भी क्या है lt minus 1, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, जिनको ऐड किया आंसर भी वही आ गया, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें ये लिख दूं u minus 18, तब भी ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है, ये जो माइनस है उसको मैं क्या कर देती हूँ, इग्नोर कर देती हूँ। पर एक चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूला वैसे तो करेक्ट है पर फिजिक्स में ये गलत है। अगर मैं डायमेंशन देखूं उसके लिए करेक्ट है पर फिजिक्स में गलत हो जाता है। तो हमेशा डायमेंशन से जरूरी नहीं है फिजिकली फॉर्मूला सही बने, पर अगर हमारा यहाँ पे काम सिर्फ ये कि डायमेंशन चेक करने। ठीक है, तो डायमेंशन में आप बस ऊपर वाला स्टेप करना, अगर वो मैच करे तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं लिख दूं इक्वल टू यू प्लस एटी स्क्वायर, और यहाँ एक हाफ लगा देते। हाँ, अब बताओ, पहली बात ये बताओ हाफ का कोई डायमेंशन होगा? नो मैम। आ रहे हैं हाफ, आ रहे हैं टू, आ रहे हैं पाई, आ रहे हैं फोर, आ रहे कुछ भी, उसको आप इग्नोर कर दोगे डायमेंशन के टाइम पे, इग्नोर कर दो जब तक कि वो पावर में ना लगा हो। अब डायमेंशन निकालते हैं, वी की डायमेंशन एल टी एल टी क्या बचा यहाँ पे एल एल
अब मैंने क्या किया, एल टी माइनस वन को एल में ऐड कर दिया, क्या ये पॉसिबल है कि मैं एल टी माइनस वन को एल में ऐड करूं? नो मैम, नहीं पॉसिबल है, सेम ही चीज को ऐड कर देते तो ये गलत हो गया, ठीक है? तो हमारा काम क्या है, हम फॉर्मूलाज को चेक कर सकते हैं डायमेंशन से, जो लेफ्ट साइड में वो राइट साइड के इक्वल होना चाहिए और वो सारी चीजों के इक्वल होना चाहिए जो जो हमने लिखी हुई है, ठीक है? अब अगला एप्लीकेशन देखते हैं, वो क्या था, फॉर्मूला बनाना। अगर मैं ये कहूँ कि एक पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास पे, लेंथ पे और स्मॉल जी पे। स्मॉल जी क्या होता है? और ये मैंने बीच में क्रॉस लगाया, वो क्या लिखा है मैंने? इनकी पावर ए लगा देती हूँ, बी सी, कोई भी पावर लगा सकते, मैंने ए बी सी लगाती हूँ, ठीक है? अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो क्या लगता है, मैंने वो कॉन्स्टेंट भी लगा दिया। अब क्योंकि मेरे को पता है ये एक फॉर्मूला बनना चाहिए, मतलब जो लेफ्ट साइड में डायमेंशन है वही राइट साइड में होगी, है ना? यस मैम। मैं क्या करती हूँ, पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालती हूँ, वो क्या आएगी, टी की पावर वन, है ना? और राइट साइड में जो जो चीजें उनकी डायमेंशन लिखती जाती हूँ, के को अभी हटा देते हैं क्योंकि के कॉन्स्टेंट है तो अभी उसकी डायमेंशन मैटर नहीं करती। अब मास देखते हैं, मास मतलब एन की पावर वन, क्या लगा हुआ, एक ए लगा हुआ है, ऐसे ही लेंथ एल की पावर वन और ऊपर एक बी लगा हुआ है, फिर जी की डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस वन, टू, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन है, तो एल टी माइनस टू आया और ऊपर एक सी लगा दिया। अब फटाफट इन सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम की पावर ए हो गया, एल की पावर बी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो एल की पावर सी, टी की पावर माइनस टू सी, है ना? अब क्या करना है, हमें लेफ्ट साइड को और राइट साइड को कंपेयर करना है, ठीक है? तो क्या लेफ्ट साइड में मास है? नो मैम, मतलब मास की पावर क्या है, जीरो, और राइट साइड में मास की पावर क्या है, इक्वल्स टू जीरो आ गया, है ना? ऐसे ही अगर मैं देखूं राइट साइड में टाइम की पावर क्या है, माइनस टू सी, और लेफ्ट साइड में क्या है, माइनस टू सी इक्वल्स टू क्या आ गया, वन के इक्वल आ गया। अब अगर मैं निकालूं सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री थ्री थ्री, सी की वैल्यू ये सबको समझ आ गया ना कैसे है माइनस, ठीक है? बी की निकालनी है तो लेंथ ही बची है मेरे पास, लेंथ के ऊपर है बी प्लस सी और लेफ्ट, नो मैम, क्या नहीं समझ आया आपको, कहाँ पे मैम, सी की पावर, सी की पावर ये वाला देखो, yes, यहाँ पे ये माइनस टू था, सी से मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, यस मैम, ठीक है? तो माइनस वन बाय टू हो गया। अब अगर मैं लेंथ में देखूं तो राइट साइड में तो भी सी है और लेफ्ट साइड में क्या लेंथ की पावर, मैम जीरो जीरो, और अभी मेरे को पता है कि सी की वैल्यू तो माइनस वन बाय टू है, मैम जीरो, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। अब क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू हम लोग जो पहले फॉर्मूला बनाया था उसमें पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो हमारे पास क्या आएगा, टी इक्वल्स टू कि एज इट इज मास की पावर जीरो है तो मास को नहीं लिखते, मास गायब हो गया, लेंथ की पावर क्या आई, वन बाय टू, वन बाय टू, जी की पावर माइनस वन बाय टू, इसको लिख सकते हैं के अंडर रूट एल बाय जी। अंडर रूट क्यों आया, क्योंकि अनबाय टू है, ये नीचे क्यों आया, क्योंकि माइनस, ठीक है?
यस मैम। तो ऐसे हम किसी भी चीज का फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आप बनाओ फॉर्मूला, चलो एनर्जी का E, जो डिपेंड कर रहा है मास पे और स्पीड ऑफ लाइट C पे। स्पीड ऑफ लाइट है पर है ये स्पीड ही, तो स्पीड की डायमेंशन ही रहेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, हम लिख देंगे E equals to K m की पावर A C की पावर B। अब एनर्जी का डायमेंशन कौन बताएगा? हाँ जी विशाल मैम, m1 मैम लेंथ मैम 2 बार आ जाएगी, मैम जो टाइम होगा मैम वो माइनस 2 आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट, m1 l2 t माइनस 2, ये लेफ्ट साइड में लिखती। अब राइट साइड वाली चीजों की डायमेंशन लिखते हैं। मास के लिए क्या लिखूंगी, m1 और उसकी पावर a, और c के लिए अंचल वाला और इसकी पावर मैंने लिखी है यहाँ पे बी। तो मेरे को फटाफट देख के बताओ कि ए और बी क्या हो जाएगा। ए वन हो जाएगा मैम। ए वन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे लेंथ के ऊपर बी है, ठीक है। और एक हाँ जी, और बी टू हो जाएगा, बी टू हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, ई इक्वल्स टू के एम की पावर वन सी की पावर टू, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ऐसे आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। अब क्या करते हैं हम, यस मैम, लास्ट जो एप्लीकेशन है वो क्या है हमारा, कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या करना होता है, मान लो आपने किसी चीज की लंबाई आपने नापी, आपने करी किलोमीटर में, और आप जैसे फोर्स बता रहे हो, ठीक है, फोर्स मास पे भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी और टाइम पे भी, तीनों पे करता है, एम एल टी माइनस टू। आपने उसे मेजर किया किलोग्राम में, मीटर में और सेकंड में, है ना, ऐसा ही सिस्टम में मेजर करो। अब मैं कह रही हूँ मेरे पास तो भाई किलोग्राम वाली वेइंग मशीन नहीं है, मेरे पास एक ऐसी वेइंग मशीन है जो सिर्फ मिलीग्राम में मेजर कर सकती है। एक ऐसा स्केल है जो डिस्टेंस मीटर में नहीं सिर्फ किलोमीटर में बता सकता है, और ऐसी घड़ी है जो टाइम सेकंड में नहीं मेरे को घंटों में ही बता सकती है। तो मेरे पास आंसर कैसे बदलेगा, वो क्या काम करता है, कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन की हेल्प से हम कर सकते हैं। बात समझ आई है क्या करना है हमें, ठीक है, कन्वर्ट करना है। अगर मेरे पास फोर्स की बात करूंगी, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, है ना, और सीजीएस यूनिट डाइन, है ना। अब मैं एक न्यूटन में कितनी डाइन है, 10 की पावर 5, सबको पता है, वेरी गुड। अब ये दिखाते हैं इससे कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये तो आपको याद हो रहा है, अब निकालना कैसे। हमारे पास दो सिस्टम होंगे, एक फर्स्ट और एक सेकंड। फर्स्ट मतलब जिसमें हमें आंसर दे रखा है, सेकंड जिसमें हमें निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम देखूं तो यहाँ पे सिस्टम है और सेकंड सिस्टम यहाँ पे ये सिस्टम है, ठीक है। तो फर्स्ट सिस्टम में पहले यूनिट्स देखते हैं, मास की क्या है, लेंथ की क्या है, टाइम की क्या है। फर्स्ट सिस्टम में मास क्या है, और विशाल ठीक हो रहा, ठीक है। फर्स्ट सिस्टम में मास केजी में है, लेंथ मीटर में है, टाइम सेकेंड में है ना। अब सीजीएस में क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्वांटिटी लिखते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं n1 u1 equals to n2 u2, है ना। yes, अब मेरे को क्या लिख रही हूँ, 1 न्यूटन equals to n2 डायन। देखो ये तो पता है n1 क्या है, मेरा 1 है, और u1 क्या है, मेरा न्यूटन है, u2 मेरी डायन है, पर मेरे को ये नंबर नहीं पता है क्या है। मैं क्या करूंगी, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दूंगी फिर से, पर डायमेंशनल फॉर्मूला अब इन यूनिट्स की मदद से लिखूंगी, ठीक है। तो जैसे 1 न्यूटन है मेरे पास, वहां मैं न्यूटन की जगह लिखती हूँ किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर माइनस 2।
क्योंकि ये मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला था एम एल टी माइनस टू, ठीक है। और राइट साइड मैं डायन में लिखती हूँ, मतलब ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेकेंड। समझ आ गया सबको ये क्या करा है मैंने? यस मैम। निकालना है तो सारी चीज लेफ्ट साइड ले जाती हूँ और लिख देती हूँ मैं 1 kg अपॉन ग्राम मीटर अपॉन सेंटीमीटर सेकेंड की पावर माइनस टू अपॉन सेकेंड की पावर माइनस टू। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए पर सेकेंड से सेकेंड, पर मीटर और सेंटीमीटर केजी और ग्राम को चेंज करने के लिए, कैंसिल करने के लिए मेरे को चेंज करना पड़ेगा। आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, ग्राम को केजी में या केजी को ग्राम में। केजी को ग्राम में, यस मैम। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, 1000 ग्राम टेन की पावर टू सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट, 10 की पावर 5। तुम ये लिख सकते हो आंसर, ठीक है। तो इससे मैं एक फॉर्मूला लिखती हूँ, क्या लिखा है, मैंने एक फॉर्मूला लिखा है जो मेरे को सेकंड सिस्टम में वैल्यू निकालना है, मेरे पास M1, L1, T1 क्या है, फर्स्ट सिस्टम में मास लेंथ टाइम मैं क्या ले रही हूँ वो है, ABC क्या है, जो डायमेंशनल फॉर्मूले में पावर लगेंगी वो ABC, और M2, L2, T2 सेकंड सिस्टम, और N1 क्या है, जो वैल्यू है जो मेरे को गिवन है कि 1 न्यूटन है, 2 न्यूटन है, कितने न्यूटन है, ठीक है। अब जैसे मेरे को बताना है मेरे पास 1 जूल एनर्जी है, और मेरे को उसको एक ऐसे सिस्टम में बताना है जिसमें मास है ग्राम में, लेंथ है किलोमीटर में, और टाइम है मिली सेकेंड्स में, ठीक है, ऐसे सिस्टम में बताना है। तो मेरा फर्स्ट सिस्टम क्या है, जूल्स कौन सी यूनिट होते हैं, एसआई यूनिट या सीजीएस यूनिट? ऐसा यूनिट होती है, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ML2T-T, इसका मतलब A होता है B2R, विशाल आपको तो ABC आ गया मेरे पास। अब क्या करूंगी मैं, फर्स्ट सिस्टम सेकंड सिस्टम थर्ड सिस्टम जो भी है वो लिखती जाती है, N2 equals to 1। फर्स्ट सिस्टम में मास क्या है मेरा, किस में दे रखा है, ग्राम ग्राम। ऐसा क्या होता है, केजी किलोग्राम किलोग्राम। सेकंड सिस्टम में क्या दे रखा है, ग्राम में किलोग्राम। फर्स्ट सिस्टम ये वाला है, सेकंड सिस्टम जिसमें मेरे को निकालना है वो वाला, ठीक है, और मास की पावर क्या है, 1। फिर लेंथ बताओ मेरे को, मीटर अपॉन इसकी पावर 2 हो जाएगी, 2। और टाइम में यहाँ पे सेकंड था, यहाँ पे मिली सेकंड, और पावर -2। क्लियर है सबको? यस मैम। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे फिर से कन्वर्ट कर देते हैं, ये है 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, ये है मीटर को ऐसे रहने देते, किलोमीटर को कर देते, और यहाँ पे 1 मिली सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, 10 की पावर -3। बिल्कुल करेक्ट, 10 की पावर -3 सेकंड। कब करते हैं ये, तो डायरेक्ट आ गए हमारे पास 1000। इसमें क्या आएगी वैल्यू बताओ कोई, 10 की पावर 7 कैसे आएगी, देखो डिनोमिनेटर में है तो 10 की पावर -3, उसके साथ एक 2 भी लग गया है, मतलब 10 की पावर -6, ठीक है। अब इसमें ये 10 की पावर -3 डिनोमिनेटर में है,
ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 3 हो जाएगा। यस मैम। और उसके फिर प्लस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ गया 10 की पावर माइनस 6। माइनस 6 तो कितनी पावर बची लास्ट में 10 की पावर 3। 3 बचेगी 3 माइनस 12 3। यस मैम 3 माइनस 12 तो 10 की पावर माइनस 9। तो इसका मतलब 1 जूल किसके इक्वल है 10 की पावर माइनस 9। और अब यूनिट कैसे लिखेंगे ग्राम किलोमीटर स्क्वायर मिली सेकेंड की पावर माइनस 2 क्योंकि यही मेरे डायमेंशनल फॉर्मूले में था ना m1l2t-2। और इस यूनिट का मेरे पास कोई नाम तो है नहीं जैसे ऐसे यूनिट में जूल नाम होते यहाँ पे मेरे पास नाम नहीं तो मैंने लिखा ग्राम किलोमीटर स्क्वायर और मिली सेकेंड की पावर माइनस 2। आ गया सबको समझ? यस मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो जरूरी नहीं है आप टेस्ट में इतना बड़ा फॉर्मूला लिखो, आप बस वैसे समझ लो कि हमें क्या करना है फर्स्ट सिस्टम से सेकेंड सिस्टम में यूनिट्स लिखनी है और उनको कन्वर्ट करना है। जैसे फोर्स है मेरे पास, फोर्स क्या होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर है ना, या फिर हम लोग एनर्जी बताते हैं एनर्जी क्या होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। अब मेरे को इसको बताना है सीजीएस में तो मैं क्या करूंगी पहले तो किलोग्राम को कर देती हूँ ग्राम में, ये हो गया 1000 ग्राम। फिर मीटर को कर देती हूँ सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर। और ये ध्यान रखना ये स्क्वायर लगा हुआ है तो वो लगा रहेगा। फिर सेकंड तो सेकंड ही रहती है तो सेकंड की पावर अब कर देते हैं 1000 ग्राम इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड। तो यहाँ से क्या आया 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर माइनस 2। समझ आ गया? यस मैम। तो आप अपने कैसे भी कर सकते हो, चाहे ऐसे कर लो चाहे वो वाला फॉर्मूला यूज करके कर लो, कोई रूल नहीं है यहाँ पे। ठीक है? यस मैम। ओके मैम। डाउट है किसी को यहाँ तक? नो मैम। हमने क्या नो मैम फॉर्मूला बनाया फिर हम उसे चेक करते हैं कि दो चीजें ऐड हो रही हैं तो उनका सेम डायमेंशन होना चाहिए, फाइनल आंसर भी उसी डायमेंशन में होना चाहिए। फिर अगर मेरे को एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे वो मैंने बताया, और ये मैंने बताया कि अगर मेरे को फॉर्मूला निकालना है तो भी कैसे निकालना है, उसके लिए ध्यान रीड करना पड़ेगा। जब तक डायमेंशनल फॉर्मूलाज नहीं पता है जो मैं टेबल दूंगी इसलिए वो याद करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है? यस मैम। ओके तो इसके बाद तो हमारा राउंड ऑफ आ जाएगा। राउंड ऑफ पता है किसी को क्या होता है? राउंड ऑफ नाम सुना है? यस मैम। यस मैम। क्या होता है राउंड ऑफ, क्या मतलब होता है राउंड ऑफ का? हम जैसे डेसिमल में अगर हमें टर्म दी होगी हम उसका राउंड ऑफ करके नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे ना बोलूं कि मतलब फिजिक्स में मत बताओ वैसे बताओ डेली लाइफ में राउंड ऑफ क्या होता है? हम जैसे जैसे आपके तो आप क्या बोलो कि मेरे तो 90 मार्क्स आए हैं है ना, आपके पास 900 रुपीज आप क्या बोलोगे मेरे पास तो 2000 रुपए है ना, आपने क्या किया उसने राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, आपके 90 आपके पास क्या आया आपके पास 90 रुपीज है, आप क्या कहोगे नहीं मेरे पास तो 100 है ना, कम बोलोगे अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो है ना। तो हमने क्या किया कोई भी नंबर था मेरे पास उसको थोड़ा सा बढ़ा के अपने हिसाब से बोल दिया ताकि वो एक परफेक्ट आंसर बन जाए। समझ आया? यस मैम। ऐसे हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारे डेसिमल आते हैं, हमें इतने सारे डेसिमल नहीं चाहिए होते, हमें कुछ लिमिटेड चाहिए होते हैं, तो हम उसके हिसाब से आंसर को चेंज कर देते। ठीक है, तो अगर मैं राउंड ऑफ बोलूं तो यहाँ पे होता है वो डिपेंड करता है कि जो नंबर राउंड ऑफ हो रहा है वो 5 है 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। अगर वो 5 से छोटा है तो कुछ नहीं करेंगे,
अगर वो 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाला नंबर मतलब प्रीसीडिंग नंबर को हम क्या कर देंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे, वन कर देंगे ऐड। अगर वो 5 के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे उससे पहले वाला नंबर क्या है, ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो एक ऐड कर देते हैं, अगर इवन है तो कुछ नहीं करेंगे। मतलब क्या है इन सबका, जैसे मैं नंबर लेती हूँ एक एग्जांपल में 53.648। मैंने बोला आंसर में सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, मेरे को 3 नहीं चाहिए, तो मेरे को आंसर यहाँ तक चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगी, राउंड ऑफ करना है मेरे को 53.65 हो जाएगा। कैसे होगा, ये नंबर देखना है मेरे को हमेशा, ये 5 से बड़ा है ना, यस मैम, पहले वाले नंबर में क्या करूंगी, एक में ऐड कर दूंगी, तो क्या 53.65 ऐड कर दिया मैंने एक नंबर, ठीक है। वही अगर मेरे पास होता 53.645 तो ये क्या है, 5 है। अब देखना है इससे पहले वाला नंबर क्या है, इवन है या ऑड है, वही अगर मेरे पास होता 53.635 इसमें क्या है नंबर, है ना। और इसके बाद अगर मैं ये लिख रही हूँ 53.634 तो ये नंबर देखो फिर से, अभी 4 से कैंसिल हो जाए 53.63 करेंगे। इस केस में हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि नंबर 5 से छोटा है। क्लियर हो गया कैसे राउंड ऑफ कर रहा है, yes, वो बताएंगे क्वेश्चन में कि कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए और फिर हम उसके हिसाब से आंसर कर देंगे, ठीक है। yes, ओके, तो जैसे मैं आपको थोड़ा मुश्किल देती हूँ 16810 इसमें बताओ मेरे को अगर 2 डेसिमल तक करना है तो क्या आंसर आएगा, मैम 1 2 3 1 2 3 1 3 1 3। अब मैं काम करती हूँ ऐसे 5.4650। अब मेरे को बताओ मैम 5.46 अब ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो 51 है वो 50 से ज्यादा है, खाली 5 है तब तो हम पीछे वाला नंबर देखेंगे इवन है या ऑड है, पर अगर 5 के बाद भी कुछ आ रहा है जैसे 1 आ गया यहाँ पे तो उसमें हम लोग उस केस में भी प्लस ही करेंगे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 5.47, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 1 आ गया है, अगर ये 1 नहीं होता ही होता 5.4650 हम नहीं करते, हम इसे एज इट इज छोड़ देते, समझ आ गया। yes, तो ये चीज ध्यान रखना, अकेले 5 में चेक करना है, और 5 से बड़ा है, 50 से बड़ा है, 500 से बड़ा है तो उसमें क्या करना है, प्लस ही करना है पीछे वाले पर, ठीक है। yes, तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है आज की क्लास में, ओके। तो अब इसके बाद वाला टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को डाउट नहीं है, नो मैम, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, आप लोग को व्हाट्सएप पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी डायमेंशंस वाली, वो आप देख कर आना नेक्स्ट क्लास में, और उसमें अगर आपको लग रहा है कि तो बहुत अजीब सी है या नहीं समझ आ रहा है कुछ तो वो भी आप बता दो, ठीक है। यस मैम। और मैं क्या करती हूँ, एक असाइनमेंट भी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि फर्स्ट क्लास की बाकी क्लासेस में मैं शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, तो उसमें से जो टॉपिक मैं करा चुकी हूँ उस टॉपिक के क्वेश्चन अगर हैं वहां पे वैसे तो आप बस वही ट्राई करना भी जो मैं करा चुकी हूँ, उसमें कोई डाउट हो तो वो ले आना, ओके। यस मैम। ओके, तो मैं मीटिंग एंड करती हूँ अभी यहाँ पे।